Yes, sir, your voice is not coming. Okay. The question is, the sum of two-digit number. The sum of two-digit number is 11. This is the first part. The sum of two-digit number is 11. And what is given in the second part of question? If the number obtained by reversing, if the number obtained by reversing the digits is 9 less, then the original number. Then find the number. So what is given in the first part? That the sum of digit is 11. That the sum of digit is 11. So we assume that unit digit b x. Unit digit ka maani maine x. And tens digit b y. ठीक है, एक को हमने x मान लिया, दो डिजिट्स है, एक को x माना, एक को y माना, ठीक है, जो यूनिट है उस पे माना x, ठीक है, और जो टेंस पोजीशन है उस पे क्या माना y, उस पे क्या माना y, ठीक है, तो नंबर क्या होगा, नंबर विल बी, अगर नंबर की बात करें तो कितना होगा, टेंस पे y है ना, टेंस पर y है, तो नंबर क्या होगा, टेन वाई प्लस एक्स, 10y plus x, यही होगा ना, क्योंकि tens पोजीशन पे क्या y है और यहाँ x है, तो इसको क्या लिखते हैं, 10 into y plus x, ऐसे लिखते हैं ना, मान लिया अगर 45 होता तो क्या लिखते हैं, 40 into, sorry, तो क्या लिखते हैं हम, we write it as 10 into 4 plus 5, यही लिखते हैं हम, 10 into 4 plus 5, clear, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 10y plus x, 10y plus x. तो नंबर क्या हुआ आपके पास 10y plus x, ठीक है, आप डिजिट्स को रिवर्स कर दिए, तो क्या गिवन है आपके पास, फर्स्ट पार्ट में गिवन है सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स फर्स्ट पार्ट में गिवन है, सम ऑफ डिजिट्स मींस x plus y equals to 11, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, x plus y equals to 11, ठीक है, सेकंड पार्ट गिवन है कि दिस इज द नंबर, अब हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं डिजिट्स को, इफ यू रिवर्स द डिजिट्स, अगर हम रिवर्स करेंगे तो यूनिट प्लेस पे कौन हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे आ जाएगा वाई, और टेंस प्लेस पे कौन आ जाएगा एक्स, सो नंबर रिवर्स नंबर क्या होगा, रिवर्स नंबर विल बी, क्योंकि टेंस पे कौन है एक्स है, तो इट विल बी टेन एक्स प्लस वाई, इट विल बी टेन एक्स प्लस वाई, सो दिस इज द रिवर्स नंबर, दिस इज द ओरिजिनल नंबर, ठीक है, और व्हाट इज गिवन, व्हाट इज given, the given is that if the number obtained, अगर जो number obtained हो रहा है by reversing the number, जो number हम reverse, जो हम number हमें मिलता है reverse करने के बाद is 9 less than, मतलब ये क्या है, this number is 9 less than, this number is 9 less than the original कौन है, 10y plus x what does it mean, it means that 10y plus x minus 10x plus y equals to 9, yahi to matlab hua, ye number tha, number mein se kya minus kara aapne, reverse, number mein se kya minus kara, reverse, number mein se reverse minus kara, to kya aana chahiye 9, सॉल्व करते हैं, 10y plus x minus 10x minus y equals to 9, what we get, 9y minus 9x equals to 9, 9 common, y minus x equals to 9, this is 1, so what we get, y minus x equals to 1.
what we get y minus x equals to 1. ठीक है, कितना क्लियर हुआ? दिस इज इक्वेशन नंबर 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास? x plus y equals to 11. इक्वेशन 2 है हमारे पास, इट कैन बी रिटन एज माइनस x plus y equals to 1. ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. इफ यू ऐड दिस, ऐड दिस इक्वेशंस, ये कैंसिल हो जाएगा. 2y equals to 12 and y will be equals to 6. The value of y will be 6. ठीक है, नाउ वी प्लेस द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2. व्हाट वी गेट? माइनस x प्लस y इक्वल्स टू 1, माइनस x प्लस 6 इक्वल्स टू 1, माइनस x इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 1 माइनस 6, माइनस x इक्वल्स टू माइनस 5, x इक्वल्स टू 5. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 5. क्लियर? सो द नंबर विल बी xy, दैट इज सॉरी द नंबर विल बी yx. क्योंकि y अज्यूम किया था ना 10th पोजीशन पे, द नंबर विल बी yx, दैट इज 65. क्या आंसर हो गया हमारा? 65 इज द नंबर. 65 इज द नंबर. ठीक है, नंबर नंबर ये था हमारे पास 10y प्लस x. चाहे तो आप यहां से सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, 10 into y, the value of y is 6 plus 5. Again, it comes to 60 plus 5 equals to 65. This is our question number 6. Next problem was question number 9. Next problem was question number 9. जैसे 6 है, बिकॉज सिमिलर वे में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, और 8 सॉल्व हो जाएगा. 9 इज समथिंग डिफरेंट. 9 थोड़ा डिफरेंट है. 9 इज, 9 को मैं पहले डिस्कस करूंगा क्वेश्चन क्या क्या रहा है, फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सो वी कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज in a three digit number, unit tens and hundred digits are in ratio. In a three digit number unit tens and hundred means unit tens and 100 are in the ratio 3:2:1. Are in the ratio 3:2:1. Given kya hai? Unit is to 10 is to 100 equals to 1:2:3. Ye given hai. ठीक है, तो that can be written as unit 10 100. हमने formatted way में लिख लिया है. Unit 10 100 equals to 3:2:1. ठीक है, हमने assume करा let unit equals to x, unit को x मान लिया. tens क्या होगा आपका? 2x. 100 क्या होगा आपका? 3x. clear है? तो number क्या होगा आपका? number will be 100 into 3x plus 10 into 2x plus x, that will be 300x plus 20x plus x, that will be 321x. The number will be 321x. Okay. And what will be the reverse of that number? Iska reverse nikalenge to kitna aayega? Reverse will be 123x. Reverse will be 123x.
क्लियर है? नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ ओरिजिनल एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग. जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल माइनस रिवर्स इक्वल्स टू 594. सो द ओरिजिनल इज 321x माइनस रिवर्स इज 123x इक्वल्स टू 594. वी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट वी गेट, गेट 198x इक्वल्स टू 594. सो x विल बी इक्वल्स टू 594 अपॉन 198 इफ यू डिवाइड इट. Let's try what you get. You will get x will be equals to 3. X will be equals to 3. Okay. So the number is 321 into x. 321 into 3 equals to 963 is the answer. कोई डाउट है इसमें? नो सर. नो सर. क्वेश्चन नंबर 10. इन अ थ्री डिजिट नंबर यूनिट डिजिट इज वन मोर देन द 100 डिजिट. यूनिट डिजिट इज वन मोर देन द 100 डिजिट एंड 10 डिजिट इज वन लेस देन द 100 डिजिट. अच्छा ठीक है. यूनिट 10 100. यूनिट डिजिट इज वन मोर देन द 100. तो 100 को क्या माना हमने? x. तो यूनिट क्या हो गया? x प्लस 1. एंड 10 डिजिट इज वन लेस देन द 100. 10 डिजिट इज वन लेस देन द 100. तो नंबर क्या हुआ आपका? नंबर विल बी 100 इंटू x प्लस x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस x plus 1. So the number will be 100x plus 10x minus 10 plus x plus 1 and it will comes to 111x minus 9. This is the number. This is the number. ये नोट कर लीजिए एक तरफ, क्योंकि काफी सारा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मुझे स्क्रीन कई बार रब करना पड़ेगा. नंबर इज 111x माइनस 9. ठीक. अब क्या करना है? साइक्लिक शिफ्ट करना है, चेंजिंग ऑर्डर को चेंज करना है, ऑर्डर को चेंज करना है. ठीक है. ऑर्डर ऑफ डिजिट क्या आ रहा है? आ रही है? आवाज आ रही है? अच्छा तो मैं भी इसके मोबाइल में प्रॉब्लम आई है. ठीक है, मैं भी आ गया. यहाँ पर हम बात करें नंबर क्या है हमारे पास, 11x माइनस 9. ये क्लियर है इतना? अब यहाँ पर देखिए, ठीक है. अब आप देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमें गिवन है वो क्या गिवन है, उसने पूछा है द इफ द सम ऑफ द ओरिजिनल थ्री डिजिट नंबर, जो ओरिजिनल थ्री डिजिट नंबर है उनका सम
एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट साइक्लिकली. साइक्लिकली मतलब जैसे कि हमारे पास नंबर था 363 होता, 364 होता, तो एक बार हम क्या करते, ये 100 को यूनिट बना देते साइक्लिक ऑर्डर में, तो ये हो जाता 643, ठीक है. और एक बार क्या हो जाता है आपका 436, ठीक है. शिफ्ट होती है ना साइक्लिक ऑर्डर में, इस तरीके से शिफ्ट होता है. इस तरीके से शिफ्ट करेंगे साइक्लिक ऑर्डर में, मतलब 3 times 1, 2 and 3 फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम. तो ये इस तरीके से ऑर्डर बनता है आपका. मान लिया आपका नंबर होता है ए बी सी, तो होता है बी सी ए और सी ए बी, ये होता, ठीक है. अभी आपके पास नंबर क्या, देखिए यहाँ पर ये समझने की जरूरत है क्योंकि तभी आप निकाल पाएंगे आगे के क्वेश्चंस. यहाँ तक तो समझ में आया ना नंबर, ये नंबर की वैल्यू क्या आई है, नंबर की वैल्यू आ गई आपके पास. देखिए नंबर की वैल्यू आ चुकी है 111x-9, 111x-9. यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर. ठीक, अब साइक्लिक ऑर्डर बनाते हैं इसका साइक्लिक, ठीक है. तो जो नंबर है हमारे पास वो क्या है, 100 पोजीशन पे कौन है एक्स, यूनिट पे कौन है टेंस पे एक्स माइनस वन, और यूनिट पे कौन है हमारा एक्स प्लस वन. साइक्लिक ऑर्डर करेंगे तो क्या आएगा, शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा एक्स माइनस वन, यहाँ कौन आएगा एक्स प्लस वन, और यहाँ कौन आ जाएगा एक्स. साइक्लिक ऑर्डर हो गया ना. अब नंबर क्या हुआ, नंबर की फाइंड करते हैं. इसके इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट जो नंबर होगा फाइंड करना है हमें. इसके इक्विवेलेंट तो क्या होगा, एक्स माइनस वन इंटू 100 प्लस एक्स प्लस वन इंटू 10 प्लस एक्स. सॉल्व करेंगे 100x-100 प्लस 10x-10 प्लस एक्स, ठीक है. सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा, 10 10 10, 1 1 1 x माइनस 100 में से 90 माइनस कितना आएगा, 100 में से 10 गए तो कितना बचा 90. सेकंड नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर जो आपने एक बार साइक्लिक रोटेट करा तो नंबर क्या आया आपका 111x-90, ठीक है. ये फर्स्ट साइक्लिक पोजीशन पे, ठीक है, जब फर्स्ट बार साइक्लिक करा आपने, ठीक है. तो नंबर आ गया, ये समझ में आया, मैंने अलग नोट कर लिया इसलिए, ठीक है. ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड हो गया. अब थर्ड करते हैं दोबारा, एक बार साइक्लिक रोटेट और करेंगे क्योंकि दो बार करना पड़ता है, तो तीन टर्म चाहिए हमें. यहां तक कोई डाउट? अब फिर रोटेट करते हैं. अब क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ये ऐसा आया था ना. अब ये जो वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू चली जाएगी आपकी यहाँ और शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास x प्लस वन, ठीक है. फिर कौन आएगा, x आएगा, और फिर कौन आएगा आपका x माइनस वन. अब सॉल्व करेंगे, ये 100 है, x प्लस वन इंटू 100 प्लस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स माइनस वन, डेट कम्स टू 100x+100 प्लस 10x प्लस एक्स माइनस वन, डेट विल कम्स टू -99. थर्ड नंबर हो गया 111x-99. एंड वॉट इज गिवन, सम ऑफ दिस थ्री, इन तीनों का सम कितना है, इन तीनों का सम दिया है 2664. इन तीनों का सम क्या है, दैट इज 2664, दैट इज गिवन. तो अब हम क्या करेंगे, गिवन दैट द सम ऑफ ऑल दिस थ्री इज 2664, सम फाइंड करते हैं. 111x-9 प्लस 111x-90 प्लस 111x-99 इक्वल्स टू 2664, ठीक है. सॉल्व करिए, 111, 111, 333x-90, 99, 99, 99, 99 into 2, that comes to -99 into 2. कैलकुलेटर करते हैं,
98 minus 198 equals to 2664 minus minus minus. ठीक है, गलती हो रही है, एक प्लस का था शायद, सॉरी ये प्लस का 99 आएगा, यहाँ पे ये प्लस का 99 आएगा, ये प्लस आएगा, देखिए यहाँ प्लस है ना, 100 है ना, प्लस 100 है ना, क्योंकि वैल्यू क्या है, प्लस 100, वैल्यू क्या आपकी, प्लस 100, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 333x माइनस 99 प्लस 99 इक्वल्स टू 2664, प्लस से माइनस कैंसिल, 333x इक्वल्स टू 2664, स्पीच क्या अभी 99 से 99 कैंसिल हो गया, 333x इक्वल टू 2664, तो 2664 अपॉन 333, 3 1 3 1 3 1 8 8 8 8 8, तो x इक्वल टू 8, the value of x is 8, x की वैल्यू 8 आ गई. तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है ये पूछा है उसने, तो ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 11x माइनस 9, ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 11x माइनस 9, द वैल्यू ऑफ x इज 8, द वैल्यू ऑफ x इज 8, तो ओरिजिनल नंबर विल बी इनटू x माइनस 9, सो व्हाट यू गेट 111 इनटू 8 माइनस 9 888 माइनस 9, तो वैल्यू ओरिजिनल नंबर इज 879 is the answer. So this was about exercise number 5.1. थोड़ा tricky और lengthy question है. हमने इसमें क्या करा? पहले number को assume करा, जो given values के according. पहले हमने assume करा unit, tens और hundreds assume करा. और फिर हम cyclic shift करते चले गए, number को form करा. तो ये हमारे तीन number आ गए, 1, 2 and 3 numbers आ गए. और तीनों को plus करा. ये plus इसके बराबर होना चाहिए. X की value आ गई. X की value आने के बाद आपने original number जो था इसमें value put करी. ये आपका answer आ गया. So that's all for today. अब ईद के बाद क्लास करेंगे, ठीक है? ईद तक कोई क्लास नहीं, ईद के बाद देखते हैं. 5.1 तक आप अपना कंप्लीट कर लीजिए और पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर लीजिए.